20-25 साल से मातंग समाज आरक्षण के लिए सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर मातंग शक्ति पार्टी द्वारा 12 जून के दिन मंत्रालय पर मोर्चा निकाला गया। जब तक मातंग समाज को हक नहीं मिलता, तब तक ये लोग इसी तरह अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गले 20-25 साल से मातंग समाज एक अलग आरक्षण मांग रहा है, और ये आरक्षण भी कौन सा है कि जो हमारा 13% है, वो 13% के अंदर से हमें हमारी जो लोकसंख्या है, वो लोकसंख्या के अंदर से हमें उनको अब कड़ करके हमको अलग आरक्षण देना चाहिए। ये हमारी मांग गई 20-25 साल से सब समाज कर रहा है, इसके बारे में हर गांव खेड़ा में उसका आंदोलन चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, और मातंग समाज के लिए न्याय देने के लिए ये महाराष्ट्र सरकार एक पीछे हट रही। अच्छा, ये मातंग समाज की महाराष्ट्र के अंदर कितनी लोक संख्या होगी ऐसा आपको लग रहा है? 80-90 लाख लोक संख्या महाराष्ट्र के अंदर। तो मातंग समाज के आज गट तट बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण हो गए, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए, जो दलित के अंदर जो गट तट जब पड़ता है तो सब लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन जो मराठा समाज है उसके अंदर शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी कितने पार्टी है उसको कोई सवाल पूछता नहीं, लेकिन दलितों को ये सवाल पूछा जाता है, इसके लिए हमें उसका खेद है। अच्छा, अगला कदम क्या होगा? आरक्षण मिला नहीं तो शासन? आरक्षण तो हम तो लेते रहेंगे और उसके बारे में हम लड़ते रहेंगे, और उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर जैसा कांग्रेस सरकार सत्ते पे आया है, वो महाराष्ट्र सरकार ने भी उसका एक फाइल निकालो कि जैसा सत्ते पे आया इतना मातंग समाज के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर कितना अन्याय अत्याचार हुआ, कितना गांव में बहिष्कार डाला गया, कितने गांव में महाराष्ट्र के बच्चे का लोगों का खून किया गया, उसका एक उन्होंने खुद एक उसका एक हमारे मातंग समाज के लिए गेला 15 साल का उन्होंने एक जायरा उन्होंने जाहिर करना चाहिए कि इतना लोगों के ऊपर अन्याय हुआ और इतने लोग इसके अंदर मरे और इतने गांव में बहिष्कार हुआ, इतने लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे, ये सब सरकार ने डिक्लेयर करना मांगता है ये साल में, ऐसा हमारी मांग है। अच्छा, बारिश के अधिवेशन के अंदर आपके आमदार थ्रू कुछ इसके ऊपर सवाल उठे? जरूर इसके अंदर हम हमारे जो आमदार नेता है सुधाकर भालेराव जी, कि उनको बोले, उनको हम कहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आप विधानसभा में तुम ये आवाज उठाओ, और ये आवाज उठाएंगे क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने यहाँ पे तुमने देखा होगा कि महानवस नाम का एक आंदोलन किया था, और सर मातंग समाज की जो मांगे थी वो उन्होंने लड़ के लिए है, और दूसरी बात ऐसे है कि उस कारण के लिए उन्होंने खुद का सब जो पहरावा है उतार के एक अभियान चढ़ा के उन्होंने पोतरा धो के दिखाया, और सब देश ने वो देखा, और जब भी किधर ये मातंग समाज का आरक्षण का जो मुद्दा था, वो आयोग का मुद्दा था, वो किधर सरकार ने मान्य किया और उसका आरक्षण डिक्लेयर किया, अपना सॉरी जो उसका जो मांगे थी वो कुछ डिक्लेयर किए, और उसके अंदर का जो मुद्दे की जो मांग है वो हमारा अलग आरक्षण होना चाहिए, उसके अंदर अब कड़ होना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है।